अयोध्या श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी है। अब उसी को लेकर पूरे भारत के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं लुधियाना में जय महाकाल महाआरती सेवा परिवार के सदस्य की ओर से अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां 11,000 दीपक प्रज्वलित कर मनाएंगे। वहीं इसके हजारों भक्त साक्षी बनेंगे। फूलों और रंगों की रंगोली से सजे स्थानीय दृश्य स्थित रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली दीपमाला के लिए दिए तेल और बाती की व्यवस्था जय महाकाल महाआरती सेवा परिवार की तरफ से की जाएगी। उपरोक्त जानकारी दीपोत्सव आयोजन समिति के सदस्य पंडित सौरभ भारद्वाज, पंडित पवन भारद्वाज, पंडित मनीष शास्त्री और प्रमुख सेवादार अरुण सेखड़ी शैंकी कत्याल ने दृशी स्थित रामलीला मैदान में दीपोत्सव की प्रचार सामग्री जारी करते हुए दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अयोध्या में जन्मभूमि परिसर में 500 वर्ष बाद रामलला के विराजमान होने की खुशी में सैकड़ों भक्त 22,000 को एक साथ 11,000 दिए प्रज्वलित करेंगे। वहीं इसके साथ साथ उन्होंने लुधियाना वासियों से दृशी रामलीला मैदान में परिवार सहित दीपमाला करने की प्रार्थना भी की है। और क्या कहा है आइए इनके जुबानी सुनते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को हमारी ओर से प्रभु जी के श्री राम मंदिर बनने की खुशी में बहुत 100 वर्षों के इंतजार के बाद सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपको ये बहुत ही खुशी होगी जानकर कि जय महाकाल महाआरती सेवा परिवार की ओर से 11,000 दीपकों को दशहरा ग्राउंड दृशी में प्रज्वलित किया जाएगा और उसी के साथ साथ प्रभु श्री राम जी की महाआरती की जाएगी। बहुत से लंबे इंतजार के बाद ये घड़ी आई है और सभी भक्तों को मेरी यही बेनती है कि जो भी भगत अपने अयोध्या ना जा सके अपने आसपास के सभी मंदिरों में जाए और अपनी खुशी को व्यक्त करे। और शाम को 7 बजे के करीब दशहरा ग्राउंड में जय महाकाल महाआरती सेवा परिवार की ओर से जो दीपमाला की जाएगी उसमें शामिल होकर अपना सौभाग्य बढ़ाएं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय महाकाल महाआरती सेवा परिवार जो के 22 जनवरी 2024 में दृशी ग्राउंड के प्रांगण के अंदर 11,000 दीपकों के नाल दीपमाला करन ले जा रहे हैं। इस परिवार के माननीय अध्यक्ष श्री आकाश खरबंदा जी और मेरे साथी पंडित सौरभ भारद्वाज जी, पंडित मनीष शास्त्री जी, शंकी जी, केवल कृष्ण गुप्ता जी, विपिन वैद जी और राजकुमार भग्गा जी और साढ़े बड़े ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे साथी जो कि इस परिवार का हिस्सा ने, जिस वक्त ये सूचना असी आपस दे विच सांझी कीती तो मेरे को शब्द नहीं कि इन्नी खुशी का माहौल बनया कि साढ़े इन्होंने बच्चों ने जो कि निःशुल्क सेवा आरती करते हैं। जिते भी सनातन की आवाज़ आती है यह परिवार निःशुल्क सेवा करके आता है। मैं खास तौर पर धन्यवादी हाँ साढ़े बहुत ही हरमन प्यारे इस चैनल के मीडिया प्रभारियों का, मीडिया के साथियों का, जिन्होंने कि इस पूरे संसार को राममय किया हुआ है। जिते राम भक्तों ने दिलों दी गहराइयों के अपना काम किया उत्थे ही साडे मीडिया के अधिकारियों ने भी साडा बड़ा साथ दिता है। पूरा विश्व ही अज राममय होया पिया है। पूरे 500 साल के लंबे इंतजार तो बाद असी बड़े सौभाग्यशाली हाँ कि 2024 के असी दो बार दिवाली मनान जा रहे हैं। इस मंदिर के प्रांगण तो असी सारी संगत को, सारे सनातनी बंधुओं को आवाहन करते हैं और वैसे भी विभिन्न विभिन्न बस्तियों तो, नगर तो ये साढ़े तक सूचना आ रही है कि 22 जनवरी को इस मंदिर के प्रांगण के अंदर सारे सनातनी और होर, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की गल दसागा कि वो कार सेवक जिन्होंने 1992 प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए सेवा की सी, वो भी साढ़े बच्चे इतने उपस्थित रहन वाले हैं। सो इन्ना ही, इस तो बढ़ के साडे लिए होर खुशी की गल की हो सकती है कि घर घर प्रभु श्री राम जी के अयोध्या तो आए हुए पावन नक्षत, पावन निमंत्रण पत्र और प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर के स्वरूप घर घर के
मंदिर के अंदर स्थापित हो जा रहे हैं। इन्हों सेवकों ने घर घर जाके इस प्रेम का संदेश इस प्रभु श्री राम जी के निमंत्रण को दिता है, जिथे साडे देश के एक एक जन ने अपना धन संग्रह दे विच योगदान दिता, सनातनियों ने प्राणा की आहूति दी, उत्थे मेरे प्रभु श्री राम जी ने इन्नी कृपा की कि उस मंदिर के प्रांगण तो घर घर तक पावन अक्षत पहुँचे। तो असी एक बार फिर जय महाकाल महाआरती सेवा परिवार वालों सारे सनातनी बंधुओं को आह्वान करते हैं कि आओ जिथे आप अपने घर दीपमाला के नाल प्रज्वलित करना है, उत्थे आप शाम को 7 बजे इकट्ठे हो के जिथे आप सवेरे 11 बजे तो लैके 1 बजे तक अपने अपने इलाके के मंदिरों के इस कार्यक्रम को इस सौभाग्यशाली क्षण को देखना है, उत्थे ही आप आओ सारे इकट्ठे हो के शामी 7 बजे इत्थे जो एक भव्य आरती का आयोजन हो जा रहा है उसका हिस्सा बनिए। यह नहीं कहते मैं वाणी नो विराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय महाकाल महाआरती सेवा परिवार की ओर से 22 जनवरी को जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप में अयोध्या के अंदर होने के लिए जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में श्री रामलीला मैदान द्रेसी में 11,000 दीपकों के साथ श्री महाकाल महाआरती सेवा परिवार की ओर से 11,000 दीपक जला करके प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा और 501 ज्योतों के साथ भगवान की महाआरती की जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।